रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़े के साथ यहां पर पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस वक्त आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का नजारा और अर्जुन मुंडा गाड़ी पर सवार हो चुके हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बार वो झारखंड आए हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। काफी उत्साहित है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और काफी संख्या में भीड़ है और उतनी ही संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल भी है। फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे। महिला बीजेपी की कार्यकर्ती है, बीजेपी की गुंडा जी है और वो उनका स्वागत कर रही हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अर्जुन मुंडा रांची पहुंचे थे और रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। और देखिए ये गाड़ी पर इस वक्त सवार हो चुके हैं अर्जुन मुंडा और तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस गाड़ी को फूल से पूरी तरह से सजा दिए हैं। और पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं। जिस तरह से ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का जिम्मा अर्जुन मुंडा के अजीब में सौंपा गया है और उसके बाद पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है और यही वजह है कि उसी उत्साह के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया। और ये देखिए जैसे जैसे अर्जुन मुंडा जिस गाड़ी पर सवार हैं वो आगे बढ़ रही है और जो तमाम यहाँ पर बीजेपी के समर्थक पहुँचे थे उनका भी उत्साह जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से जिस तरह से अर्जुन मुंडा जीते और इनका नाम चूँकि पहले से आता रहा था कि अर्जुन मुंडा को मंत्री पद दिया जा सकता है और झारखंड के कहा जा सकता है कि इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है और यही वजह है कि इतनी भव्य स्वागत रांची एयरपोर्ट पर अर्जुन मुंडा का किया जा रहा है। आप देखिए जैसे ही एयरपोर्ट से अर्जुन मुंडा का काफिला निकल रहा है वो हाथ हिलाकर और कभी कभी गाड़ी से बाहर निकल कर भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा है। और देखिए ये लगातार बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं अर्जुन मुंडा के समर्थक हैं वो उनसे मिल रहे हैं और पिछले कई घंटों से जो इंतजार कर रहे थे अर्जुन मुंडा के बाहर निकलने का और उसके बाद मिलने के बाद उनके चेहरे पर रौनक लौट रही है। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से अर्जुन मुंडा का स्वागत रांची में किया गया है। और इस स्वागत के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि झारखंड में
राजनीतिक माहौल भी कुछ बदलेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है और अर्जुन मुंडा के जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब जब विधानसभा के चुनावी माहौल में अर्जुन मुंडा जाएंगे तो फिर माहौल बिल्कुल बदलेगा और माहौल बिल्कुल अलग होगा। देखिए, ढोल नगाड़े के थाप पर ये लगातार जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं गाड़ी के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और झूम रहे हैं। ये पूरा जश्न सा माहौल है और इस जश्न के माहौल में सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सरोबर हैं और अर्जुन मुंडा बस हाथ जोड़कर तमाम जितने भी लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए, क्या महिला कार्यकर्ता और क्या पुरुष कार्यकर्ता सभी जो है जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं और अर्जुन मुंडा गाड़ी पर सवार हैं और वो धीरे 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 आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कई बार हम तमाम मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं। क्या कह रहे हैं, पहली बार आए थे मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, कैसे स्वागत किया आपने? बाप रे, हम लोगों को तो इतनी खुशी हो रही है कि हम इजहार नहीं कर सकते हैं सर को मंत्री बनने पर। और झारखंडवासी बहुत हृदय से इनका स्वागत कर रहे हैं और मान सम्मान जो मिलना चाहिए था मिल गया हम लोगों को। हमारे कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। हाँ, महिला कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हम लोग चाहते थे कि हमारे CM पूर्व CM और हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी मंत्री बने और हम लोगों की इच्छा पूरी हुई है, इसलिए हम लोग बहुत आप तो बहुत हाँ क्योंकि हम मुंडा समाज से आते हैं और आदिवासी कल्याण के लिए भी आए हैं बीच में, इसलिए ज्यादा खुशी है हम लोग को। महिला का कुछ कल्याण तो कर रहे हैं, करेंगे ही, महिला लोग के लिए कुछ कल्याण करेंगे ही मंत्री जी हम लोग, इसलिए सब उत्साह से आए आदिवासी। अभी भैया का जो पद भी मिला है वो खासकर आदिवासी लोग के लिए ही है, जो भी है उन्हीं के लोग के लिए है। हम लोग भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, मेहनत बहुत की है, वो रंग लाई है बस। बिल्कुल, देखिए जितने भी खास करके महिला कार्यकर्ता हैं या फिर कोई भी बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचा वो खुश है और कई उम्मीदें लेकर आया है कि अर्जुन मुंडा को जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो झारखंड के लिए वो जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया है और 27% आदिवासी झारखंड में रहते हैं और उन आदिवासी के चेहरे और उन आदिवासी की जो आज हकीकत है उसको कैसे बदलते हैं और क्या कुछ उसमें बदलाव आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हाल के दिनों में अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है तो ऐसे में अर्जुन मुंडा के जिम्मे इतने बड़े जिम्मेदारी सौंप देना, मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाना झारखंड के लिए बड़ी बात है। तो लेकिन देखना होगा कि इसका राजनीतिक फायदा कितना होगा, लेकिन फिलहाल तो इतना कह के जरूर सुकून करना होगा कि अर्जुन मुंडा रांची पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया है। अपने सहयोगी शशि प्रताप के साथ सनी सारत, ABC News रांची।